नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, वो आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और भी इसमें जो है सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आज का जो हम टॉप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक पार्ट, तो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें पहला लाइन दिया गया है, भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो मंगोलॉयड पाया जाता है, ठीक है। तो आपका मंगोलॉयड कहाँ पाया जाता है, तो आपका हिमालय क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाया जाता है मंगोलॉयड जाति, ठीक है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। तो भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो आपका आद ऑस्ट्रोलाइट प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंध है, ठीक है। तो आपका भारत की संथाल जनजाति का संबंध आद ऑस्ट्रोलाइट प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वो भील है। और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो गुजरात में है। तो भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुजरात में है। और थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में। थारू जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड में है। और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुजरात में है, ठीक है। भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या गुजरात में है और थारू जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है क्या, तो थारू जनजाति जो कि उत्तराखंड का जो निवासी है वो शोक के त्यौहार के रूप में दिवाली को मनाता है। धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो आपका गद्दी है। तो धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, तो आपका गद्दी है, समझ गए। उसके बाद इधर बॉक्स को बाद में पढ़ेंगे, वन वन लाइनर को पढ़ने के बाद बॉक्स को पढ़ेंगे। तो संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, तो आपके पूर्वी भारत के संथाल निवासी हैं। और कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है, तो भूटिया जो करती है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है, तो आपका भूटिया करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी नेटिव्स है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी नेटिव है। और शहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो शहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका शहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा किया गया था। तो वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा किया गया था। ओपोर टिपी तथा अंडी नामक प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, तो ओपोर टिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, तो हो जनजाति में प्रचलित है आपका, ठीक है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जारवा है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति आपका जारवा है, ठीक है। तो ये आपका है टोटल। तो संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है, तो पूर्वी भारत के हैं। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है, तो भुटिया करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी नेटिव्स है। और शहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट विजले के द्वारा किया गया था। ओपोर तिपी तथा अंडी नामक प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, तो हो जनजाति हो ट्राइब में। और भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोम्पेन सेंटिनेलीज ओंगे जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है, ठीक है। तो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली जो आपका सोमपेन है, उसके बाद सेंटिनेलीज है, ओंगे और जारवा जनजातियाँ विलुप्त की स्थिति में है। ठीक है, सोमपेन, सेंटिनेलीज, ओंगे व जारवा जनजातियाँ विलुप्त की स्थिति में है। तो भारत की प्रमुख जनजातियां क्या है? तो भारत की प्रमुख जनजातियां आपका जो इधर है, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट नाम जो बहुत सारा दिया गया है, तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो एक आज हम एक बॉक्स को पढ़ेंगे, कल हम दूसरे बॉक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती है वो है आपतानी है, डफला है, मिसमी है, सिंफो है, अबोर है। तो आपका जो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है वो है आपका आपतानी, डफला है, मिसमी है, सिंगफो है, अबोर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपतानी, डफला, मिसमी और सिंगफो है, अबोर है। नागालैंड है आपका नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, गारो कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी है। ठीक है, तो नागा है, कोन्याक है, सेमा है, गारो है, कचारी है, कुकी है, मिकिर है और अंगामी है। मणिपुर अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारा, मैकी है। ठीक है, मणिपुर में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारा और मैकी है। ठीक है, और मिजोरम में आपका है मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी। तो आपका गारो आपका मिजोरम में भी है और नागालैंड में भी है, और मिजो है यहाँ पर, लाखेर है आपका यहाँ पर। ठीक है, पावी है यहाँ पर, चकमा है आपका, चकमा। ठीक है, चकमा, कुकी है यहाँ पर। ठीक है, कुकी आपका नागालैंड में भी है और कुकी आपका जो है मिजोरम में भी है, और गारो आपका नागालैंड में भी है, तो गारो आपका मिजोरम में भी है। ठीक है, और मेघालय में भी आपका गारो है, खासी गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजांग, हमार, लाखेर, सितिंग है। तो लाखेर आपका मेघालय में भी है, तो आपका मिजोरम में भी लाखेर है। ठीक है, तो लाखेर आपका जो है दो जगह पर है, मिजोरम और मेघालय पर भी है। ठीक है, त्रिपुरा आपका में, त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा है, मोगा है, रियांग है, हलाम है, लुसाई है, ओरांग है, उचई है और जमातिया है। और असम में आपका जो है चकमा है, डिमासा है, हाजेंग है, सिंथेंग है और लालुंग है। तो आज हम बस आसाम तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट तक ही पढ़ेंगे, ताकि आपको आराम से याद हो जाए, ताकि नाम थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम है और कहीं कहीं कॉमन कॉमन नाम है, तो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछता है, खास करके आपके यूपीएससी में। ठीक है, तो बीपीएससी में भी पूछता है, तो देखेंगे फिर से दोबारा। तो सबसे पहला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें जो जनजातियाँ उसका नाम है आपतानी, डफला है, मिसमी है, सिंफो है, अबोर है। ठीक है, तो आप तानी है, डफला है, मिसमी है, सिंको है, अबोर है। नागालैंड में आपका नागा है, कोन्याक है, सेमा है, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। तो गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी नागालैंड का है। अंगामी आपका मणिपुर में भी है। ठीक है, और माओ आपका है, मारिंग है, मारिंग। ठीक है, मारिंग आपका मणिपुर में, तारा है और मैकी है। तो मणिपुर का है अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारा, मैकी। मिजोरम का है मिजो, लाखेर, पाबी, चकमा, गारो, कुकी। मेघालय का है खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजांग, हमार, लाखेर, चितेंग है। और त्रिपुरा का है त्रिपुरा, मोग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचाई, जमातिया है। और असम का है चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिथोंग, लालुंग है। असम में क्या है? तो चकमा है, चकमा चकमा देता है। ठीक है, डिमासा है। ठीक है, हाजेंग है, हाजेंग, सिचेंग है, हाजेंग, सिचेंग और लालुंग है। ठीक है, हाजेंग, सिचेंग, लालुंग। और त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोंग, रियोंग, हलाम, तुसाई, ओरांग। तो ओरांग आपका कहाँ? त्रिपुरा में। सबसे इंपॉर्टेंट ओरांग पूछता भी है, ओरांग है। जमातिया भी इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा का, जमातिया। ठीक है, तो आपका जो पूछता है त्रिपुरा से वो ओरांग पूछता है, लुसाई पूछता है, जमातिया पूछता है। ठीक है, और मेघालय से जो पूछता है खासी गारो पूछता ही है। ठीक है, सबको पता होगा, जयंतिया भी पूछता है, हाजांग पूछता है, और आपका जो है सितेंग पूछता है। ठीक है, मिजोरम में से पूछने वाला है मिजो पूछता है, गारो है, कुकी है, चकमा है। ठीक है,
अब मणिपुर से है आपका अंगामी, कोमबाऊ, नागालैंड से है आपका सेमा गारू, कचारी है, ठीक है, मिकीर है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका डफला, बिस्मी, सिंगफो, सिंगफो पूछता है, सिंगफो हमेशा पूछा भी है आपके एग्जाम में, अबोर भी पूछा है, तो सिंगफो अबोर आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो भी जनजातियाँ है इम्पोर्टेंट उसको हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।